जय श्रीमन्नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वो रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी जा रही है। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित मैं सभी लोग ना विभूति योग सिखा रहा। परमात्मा कह रहे अर्जुन, मैं वेदों में सामवेद हूँ, मैं देवताओं में इंद्र हूँ, मैं इंद्रियों में मन हूँ, मैं सभी संवेदनशील प्राणियों की चेतना हूँ। जया श्री कृष्ण परमात्मा कह रहा कि वेद चार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों में से सामवेद सर्वाधिक संगीत में है और 21,000 शाखाएँ हैं। श्री कृष्ण परमात्मा कह रहा कि वो सामवेद है। श्री कृष्ण परमात्मा कह रहा कि सभी देवता में वो इंद्र है, स्वर्ग का राजा। श्री कृष्ण परमात्मा कह रहा कि 11 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, त्वचा, आँख, कान, जीव, नाक है और 5 कर्म इंद्रियां हैं। मुँह है जो बात कर सका है, हाथ, पैर, मलमूत्र, जननेन्द्रिय और 11वीं इंद्रियां हैं मन। 11वीं इंद्रियां मन की सहायता का बिना 10 इंद्रियां कार्य को नहीं कर सका, इसलिए मन न इंद्रियों में प्रमुख माना गया हुआ। और श्री कृष्ण परमात्मा कह रहा कि इन 11 इंद्रियों में से वो मन है। श्री कृष्ण परमात्मा कह रहा कि वो सत्वों की बुद्धि है। आओ मैं श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षा ने याद रखा और जब भी मैं सामवेद सुना, जब मैं इंद्र को नाम सुना, जब भी मैं मन और बुद्धि शब्द सुना, जब भी मैं अपना मन और बुद्धि न महसूस करा, तो मैं याद रखा कि इन्हें में उच्च मात्रा में श्री कृष्ण परमात्मा को प्रभाव हुआ। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण ने लगातार याद करने को प्रयास करता हुआ, आओ मैं श्री कृष्ण परमात्मा का शब्दाना श्लोक का रूप में दोहराने को प्रयास करा। वेदानाम सामवेदोऽस्मि, देवानाम अस्मि वासवः, इन्द्रियाणां मनश्चास्मि, भूतानां अस्मि चेतना। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित मैं सभी लोग ना विभूति योग सिखा रहा। परमात्मा कह रहे अर्जुन, मैं वेदों में सामवेद हूँ, मैं देवताओं में इंद्र हूँ, मैं इंद्रियों में मन हूँ, मैं सभी संवेदनशील प्राणियों की चेतना हूँ। जया श्री कृष्ण परमात्मा कह रहा कि वेद चार है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों में से सामवेद सर्वाधिक संगीत में है और 21,000 शाखाएँ हैं। श्री कृष्ण परमात्मा कह रहा कि वो सामवेद है। श्री कृष्ण परमात्मा कह रहा कि सभी देवता में वो इंद्र है, स्वर्ग का राजा। श्री कृष्ण परमात्मा कह रहा कि 11 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, त्वचा, आँख, कान, जीव, नाक है और 5 कर्म इंद्रियां हैं। मुँह है जो बात कर सका है, हाथ, पैर, मलमूत्र, जननेन्द्रिय और 11वीं इंद्रियां हैं मन। 11वीं इंद्रियां मन की सहायता का बिना 10 इंद्रियां कार्य को नहीं कर सका, इसलिए मन न इंद्रियों में प्रमुख माना गया हुआ। और श्री कृष्ण परमात्मा कह रहा कि इन 11 इंद्रियों में से वो मन है। श्री कृष्ण परमात्मा कह रहा कि वो सत्वों की बुद्धि है। आओ मैं श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षा ने याद रखा और जब भी मैं सामवेद सुना, जब मैं इंद्र को नाम सुना, जब भी मैं मन और बुद्धि शब्द सुना, जब भी मैं अपना मन और बुद्धि न महसूस करा, तो मैं याद रखा कि इन्हें में उच्च मात्रा में श्री कृष्ण परमात्मा को प्रभाव हुआ। इस प्रकार श्री कृष्ण परमात्मा या श्रीमन नारायण ने लगातार याद करने को प्रयास करता हुआ, आओ मैं श्री कृष्ण परमात्मा का शब्दाना श्लोक का रूप में दोहराने को प्रयास करा। वेदानां सामवेदोऽस्मि, देवानां अस्मि वासवः, इन्द्रियाणां मनश्चास्मि, भूतानां अस्मि चेतना। श्रीमन्नारायण, करिष्ये वचनं तव,
सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद् भगवद गीता को संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 काम करना दिया गया है। श्री कृष्ण कहा, मन वो लोग पसंद है जो ये 8 बातों को पालन कर, मैं भी भक्त के हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता न सुनने के बाद अर्जुन कहा, करिषे वचनम त्व, जी को अर्थ कृष्ण मैं वहीं करूँगा जहाँ थे कहोगा। यही कारण है कि श्री कृष्ण अर्जुन सब तरह की सफलता और जीत प्रदान कर। आओ आपा परमात्मा ने वचन देवा कि ई 8 कर्मों का पालन करांगा। यहाँ की कोई पूजा तप या यज्ञ कोनी जो परमात्मा ने यह शब्द देने से बढ़कर है। मैं कहूँगा कि आपा ने यह 8 प्रतिज्ञा करनी चाहिए। कृपया आपा ने अपने दिल और दिमाग से सोचना चाहिए। इस तरह श्री कृष्ण अपना वचन देता हुआ, आओ आपा सब श्री कृष्ण का चेहरा ना खुशी से चमकता हुआ देखा और आनंद को अनुभव करा। जय श्रीमन्नारायण। यह मारो 8 वचन। मारो पहले वचन, हे श्रीमन्नारायण, जहाँ थे निर्देश दिया मैं हमेशा थारो ध्यान करूँगा और थारा बारा में सोचूँगा। मारो दूसरो वचन, हे श्रीमन्नारायण, जहाँ थे सलाह दिया मैं हमेशा थारो भक्त रहूँगा। मारो तीसरो वचन, हे श्रीमन्नारायण, मैं अपना सारा काम थारी सेवा का रूप में और थारी संतुष्टि के लिए करूँगा। मारो चौथो वचन, हे श्रीमन्नारायण, जहाँ थे अनुसरण करना बोला था मने पूरो विश्वास है कि मैं थारो हूँ, सदा थारा हाथ जोड़ूँगा और नमस्कार करूँगा। मारो पांचो वचन, हे श्रीमन्नारायण, मने थारा सब माम एकम शरणम ब्रज याद आवा जो थे अकेला ही समर्पण करना बोला था। श्रीमन्नारायण, मैं केवल थाना समर्पण करूँगा। मारो छठो वचन, हे श्रीमन्नारायण, मने थारा सब माँ सुचाहा याद आवा थे माने शोक न करने को आश्वासन दिया, अब मैं शोक को नहीं करूँगा। मारो सातो वचन, हे श्रीमन्नारायण, थे श्रीमद भागवत गीता देकर मारा सभी पर कृपा किया हो और आशीर्वाद दिया हो, मैं कम से कम 1 श्लोक पढ़ना या सुनना को वादो करूँ। मारो आठो वचन, हे श्रीमन्नारायण, थे सारी मानवता ने गीता प्रदान किया हो, गीता में थारा दिव्य शब्द भी भक्ता तक फैलाने को प्रयास करूँगा जो गीता से अपरिचित है। मैं अबार परमात्मा ने 8 वचन दिया हाँ। मैं रोज श्रीमन्नारायण ने वचन देवा कि मैं वहीं ही करूँगा जिया वो कहोगा। अपना आप में यह एक महान पूजा है। आओ आपा सब अटल विश्वास के साथ वचन देवा। जय श्रीमन्नारायण। वेदानाम सामवेदोऽस्मि, देवानाम अस्मि वासवः, इन्द्रियाणां मनश्चास्मि, भूतानां अस्मि चेतना। ॐ वेदानां सामवेदोऽस्मि, देवानाम् अस्मि वासवः, इन्द्रियाणां मनश्चास्मि, भूतानाम् अस्मि चेतना। श्रीमन्नारायण, करिष्ये वचनं तव। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। सब भक्ता से विशेष अनुरोध, मैं अपना जीवन में सारी चीज़ों से तुरंत और सफल परिणाम चाहवा। इन्हें प्राप्त करने के लिए
रोज 1 मिनट खर्च करना पड़ेगा और नारायण स्त्रोत को पाठ करना पड़ेगा। नारायण स्त्रोत को प्राप्त करने के लिए नारायण स्त्रोत वेबसाइट पर जाओ, जो कि www.narayanstrot.org है, और पंजीकरण में अपना नाम और ईमेल प्रदान करो। थारा द्वारा प्रदान के ईमेल पर थाना नारायण स्त्रोत PDF प्राप्त हो जाओगे। PDF में एक रामायण, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नामा, ये तीनों न मिलाकर नारायण स्त्रोत कहा जाओ। हर कोई न इस श्लोक को एक अलग संयोजन मिला। जब 24,000 भक्ता का साथ हर कोई रोज नारायण स्त्रोत को पाठ पढ़े या सुने, तो संपूर्ण रामायण पारायण की एक माला, श्रीमद भागवत गीता पारायण की 33 माला, श्री विष्णु सहस्त्र नाम के स्त्रोत की पारायण की 24 माला रोज पूरी हुआ। यह इतना उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन अहिया करने से समान आवा। इसलिए थे और थारा परिवार का सदस्य तुरंत जाओ और अपना नारायण स्त्रोत प्राप्त करो। जय श्रीमन नारायण।